नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मणिकर्णिका के डे 6 के कलेक्शन के बारे में और ठाकरे मूवी के डे 6 के कलेक्शन के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। दोस्तों, इस फिल्म में हमें कंगना रनावत और अंकिता लोखंडे देखने को मिले। दोस्तों, इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 125 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस ने एंड कंगना ने और इस फिल्म की स्टोरी लिखी है केवी विजेंद्र प्रसाद ने। इससे पहले बाहुबली 2 और बजरंगी भाईजान की स्टोरी लिख चुके हैं। दोस्तों, ये फिल्म इंडिया में 3000 स्क्रीन में रिलीज हुई थी और ओवरसीज में 700 स्क्रीन में। दोस्तों, इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म में डे 1 में 8 करोड़ 75 लाख, डे 2 में 18 करोड़ 10 लाख, डे 3 में 15 करोड़ 17 लाख, डे 4 में 5 करोड़ 10 लाख, डे 5 में 4 करोड़ 75 लाख और अब तक के मुताबिक डे 6 का जो कलेक्शन आ रहा है वो 4 करोड़ 50 लाख आ रहा है। इस हिसाब से मणिकर्णिका का टोटल कलेक्शन इंडिया का होता है 57 यानी कि 57 करोड़। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ठाकरे फिल्म के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अमृता राव देखने को मिली है। दोस्तों, इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 30 करोड़ बताया जा रहा है और इस फिल्म का जो रन टाइम है वो 139 मिनट का है। ये फिल्म दो लैंग्वेज में रिलीज हुई है, मराठी और हिंदी। चलिए दोस्तों, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म ने डे 1 में 6 करोड़, डे 2 में 10 करोड़, डे 3 में 6 करोड़ 90 लाख, डे 4 में 3 करोड़ 25 लाख, डे 5 में 2 करोड़ 80 लाख का बिजनेस किया है और अब तक के मुताबिक डे 6 का जो कलेक्शन आ रहा है वो 2.5 करोड़ आ रहा है, 2 करोड़ 50 लाख। इस हिसाब से दोस्तों, ठाकरे मूवी का जो टोटल कलेक्शन होता है वो 31 करोड़ 50 लाख होता है। दोस्तों, ये दोनों फिल्म बायोपिक है और दोनों ही फिल्म को बढ़िया रिव्यू मिल रहे हैं। दोस्तों, आप दोनों में से कौन सी फिल्म देखने गए थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आपको कौन सी फिल्म पसंद आई। ऐसी वीडियो लेटेस्ट जानने के लिए हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।